कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। इनके भी एरिया बटे हुए थे, वसूली के कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, ये लोग बोलते रहेंगे क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है, और मुझे लगता है तो देखिए उन्होंने की पीड़ा, राजभर एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती हैं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। आखिर वह नौजवान भी तो होगा, वह भी तो प्रदेश का हिस्सा है, क्यों नहीं उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी। मैं देख रहा था नियुक्ति पत्र, जब मैं देख रहा था प्रयागराज का, एक नौजवान और एक बेटी दोनों नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, दोनों अनुसूचित जाति से जुड़े हुए थे, इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी। कारण था नियत साफ नहीं थी, चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले, एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा, महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, ये लोग बोलते रहेंगे क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जनता इनको देख चुकी है, इनका गुंडे की गुंडागर्दी देख चुकी है, इनकी अराजकता देख चुकी है, इनके द्वारा किए जाने वाले अमर्यादित आचरण को देख चुकी है। हमें सावधान होकर के, केवल एक लक्ष्य होकर के कार्य करना है।